वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जाने इस वीडियो में कि हीरो की जो नई ग्लैमर आई है वो क्यों है खास। इसमें डिजाइन एलिमेंट बहुत अच्छा है, ये आप देख रहे हैं वी शेप में बहुत अच्छे से इसका इन्होंने दिया हुआ है। इंडिकेटर भी इसमें स्टाइलिश है और उसके बाद में टायर पे भी ग्रिप बहुत अच्छी है, न्यू कलर के टायर है और अलॉय व्हील भी बहुत इसमें शानदार है और इसमें व्हाइट कलर की स्ट्रिप इसमें डाली हुई है। और अगर हम इसका सस्पेंशन देखते हैं तो सस्पेंशन का ट्रेवल भी काफी अच्छा है। ड्यूअल कोर में इसमें इसकी मरघाट दी हुई है और इसमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाएगा और इसके मिरर भी बहुत ज्यादा स्टाइलिश इन्होंने दिए हुए हैं। एक एक चीज का इसमें ध्यान रखा हुआ है। i3s की इसमें बैजिंग है और इसमें आपको सारे पासिंग स्विच लाइट सब मिल जाएगा। और इसके आप टैंक काउल देखिए कितना स्टाइलिश और कितना शार्प एजेस इसमें दे रखे हैं। ये जो ग्लैमर की बेजिंग है और ये जो एक्स्ट्रा कोर इसमें बनी हुई है ये कितनी शानदार है। और एक जो व्हाइट कलर की लाइन है ये पूरे इसमें रिफ्लेक्ट करेगी। पूरी बाइक में जो व्हाइट कलर की लाइनिंग इन्होंने डाली हुई है वो बहुत ही ज्यादा इसको अट्रेक्टिव लुक के साथ बनाती है। और ये इस टंकी का जो शेप है वो भी बहुत अच्छा है। E20 की इसमें बैजिंग है और इसमें आपको ब्लैक कलर का, फुल ब्लैक कलर का इंजन मिल जाएगा। और हीरो अभी सारी बाइक में ब्लैक कलर ज्यादा यूज कर रहा है और इसमें आपको ऑटो कट स्टैंड ऑफ मिल जाएगा। FI जनरेटेड ये मॉडल है, i3 की बेजिंग है और इसका माइलेज भी आपको कहीं ना कहीं से 60 से 70 के बीच में मिल जाएगा। और इसमें हर एक पैनल को अलग से बना रखा है। ये व्हाइट कलर का जो सिल्वर स्ट्रिप की आप डिजाइन देख रहे हैं ये भी इस बाइक की डिजाइन में एनहांस लुक देती है। और जो पीछे का जो इन्होंने शेप दिया हुआ है वो भी सींग वाला जो शेप है वो इसमें दिया हुआ है और पीछे हीरो की बैजिंग कर रखी है यानी। और आप पीछे इसकी हेडलाइट देखेंगे वो भी एक्स ब्लेड के जैसे बहुत ज्यादा स्टाइलिश इन्होंने दी हुई है। और पीछे ये जो एक्स्ट्रा डबल इसमें मफलर दिया हुआ है ये भी इसको एक स्पोर्ट लुक देने की इन्होंने कोशिश की है और बहुत ही ज्यादा ये मजबूत है, बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लगेगा। कहीं ना कहीं हीरो ने इस बाइक में जो डिजाइन में काम किया है वो एक अलग ही लेवल का इसने काम किया है। इसके इंडिकेटर देखो आप, वो भी कितने शानदार है और कितने स्टाइलिश है इंडिकेटर। और इसमें आपको स्विच मिलेगा जिससे आप इसकी सीट खोल के अपना मोबाइल या कोई जरूरी सामान कभी किसी परिस्थिति में रख सकते हैं। और आप इसका डिजाइन देखिए, 125 cc के सेगमेंट में इससे ज्यादा स्टाइलिश कोई चीज नहीं है। इसके जो अलॉय व्हील है और इसका जो टैंक का डिजाइन है और इसका जो सिटिंग पोस्चर है, इस सिटिंग पोस्चर आपको जकड़े रखता है जब आप ड्राइव करेंगे। और इसमें ये व्हाइट कलर का एलिमेंट अलग से दिया हुआ है। कहीं ना कहीं पुरानी वाली ग्लैमर जो बिकना बंद हो गई थी, अपने नया इनहेंस मॉडल इन्होंने निकाला है, इसकी वजह से ग्लैमर अब और ज़्यादा बिकना स्टार्ट हो जाएगी। और 125 cc के सेगमेंट में इससे ज़्यादा स्टाइलिश बाइक आपको देखने को नहीं मिलेगी।